humania, oh oh humania, oh humania, oh humania. भाई साहब, मैं श्रमिका श्री सम्मान के लिए व्यवस्थाएं कर दी जाए. मनीष भाई आ पाए. आदरणीय श्री महेंद्र सिंह धारीवाल जी सादर मंच पर, मलबीर खोखा भाई साहब सादर मंच पर, आदरणीय श्री आरआर फुलिया सर आप भी सादर मंच पर आइए और फिर हम अपने मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर आमंत्रित करेंगे. और महिलाओं के सम्मान के लिए हमारी एंकर हैं, वो थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आप करते रहिए. सभी सर, जिन महिलाओं को हमने चुना है, वास्तव में हम उनको सम्मान नहीं दे रहे, हम उनको सम्मान करते हुए स्वयं सम्मानित हो रहे हैं. जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और जिस तरीके से उनकी उपलब्धियां हैं, उससे हम खुद सम्मानित हो रहे हैं. श्रमिका श्री सम्मान. श्रम शायद हमारे समाज में या हमारे हमें बचपन से हमें सिर्फ एक ही चीज़ तो सिखाई थी कि पसीना आए तो रोटी खाना, नहीं आए तो उस दिन आपका रोटी का हक नहीं बनता है. बचपन सीखी हुई बातें हैं. और पसीना जो है वो बहुत ज़रूरी है, परिश्रम ज़रूरी है, और इसी के लिए परिश्रम को सम्मान देने के लिए श्रमिका श्री सम्मान. विभिन्न क्षेत्रों में इन महिलाओं ने उल्लेखनीय भूमिका अदा की, जिसके लिए उन्हें इन कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है. इसके बाद रामरति धन्यवाद हरवन खोज जी. इसके बाद रामरति संतोष का नाम बोल दो या रामरति जी कैंडिडेट्स का नाम ले दें आप. रामरति जी एक बार स्टेज पे आए. रामल उर्फ रामरति पति की मौत के बाद भी बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें स्वावलंबी बनाने वाली उन हरियाणवी महिलाओं के संघर्ष में जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो जीवन की चुनौतियों को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं. इसके बाद संतोष. मैं निवेदन करूंगी कि जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो वन बाय वन एक बार स्टेज पे आ जाएं. संतोष, दर्शना, जलंधरा, सोनिका, सरोज. अब संतोष स्टेज पर आए श्रमिका श्री अवार्ड के लिए. दर्शना जलंधरा, सोनिका, मैम आपने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए आपको श्रमिका श्रम अवार्ड दिया जा रहा है, ये सम्मान दिया जा रहा है. सोनिका, सोनिका विजर्निया जूनियर फुटबॉल कोच, टू टाइम बेस्ट कोच अवार्ड सुबर्तो कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट एंड 200 गर्ल्स आर अंडर ट्रेनिंग. अब सरोज मैम आंगनवाड़ी वर्कर, सामाजिक उत्थान में इन्होंने उल्लेखनीय भूमिका अदा की, जिसके लिए इन्हें श्रमिका श्रम अवार्ड दिया जा रहा है. आशा पाहुजा. इसके बाद नंदिनी बजाज तैयार रहें. रेनू, नंदिनी बजाज के बाद रेनू मंच पर आए. खेलकूद में इन्होंने विशेष उपलब्धि के लिए इनके जज्बे को सलाम. हमारी शारीरिक रूप से अगर हम अक्षम भी हैं तो भी हमारी कैपेबिलिटी उन्हें नहीं रोक सकती. आपके समक्ष ये उदाहरण के रूप में
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक बड़ा उदाहरण आपके समक्ष, माता पिता का साथ, इनको आप देखिए। गॉड ब्लेस यू। डानी माहू से रेणु जी, सीनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग गोल्ड विनर इन केरला एंड ऑल्सो विन द सिल्वर मेडल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़। सुमन विश्वकर्मा, आपने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए आपको श्रमिकाश्रम अवार्ड दिया जा रहा है। मैम, इसी तरह से आप सामाजिक गतिविधियों में, कार्यक्रमों में भागीदारी दर्शाएं और समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। कांता यादव, CDPO कैरू, राष्ट्रीय स्तर पर 67 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। 2014 से CDPO कैरू में कार्यरत हैं। आगे भी आप इसी तरह से मेडल्स जीतें और खेलकूद गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, एक उदाहरण के रूप में आए। मीना शर्मा, मैम आपके लिए मेरे पास शब्द बहुत कम है, जो मेरे से बोला जा रहा है मैं बोल रही हूँ। प्रेसिडेंट अवार्डी इन सोशल वर्क, डायरेक्टर चाइल्डलाइन हिसार, नाउ वर्किंग एज ए मेंबर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भिवानी सिंस 2014। शीला तवर जी, जहाँ कहीं भी एक बार मंच पर आए श्रमिकाश्रम के लिए। शीला तवर, ओके। मिस शीला तवर, एडवोकेट BA MA MPhil and LLB, नाउ वर्किंग एज ए लॉयर इन भिवानी कोर्ट पैनल एडवोकेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज। मैम, इसी तरह से आप अपनी करियर की ऊंचाइयों पर जाएं और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करें। जो भी इस सभागार में बैठा है, आया है, लेकिन मिस्टेक से नाम नहीं लिया गया, वो मैं चाहती हूँ हम हरियाणा की तरफ से अरुण कांत जी को हम सम्मानित करें। चंडीगढ़ से भिवानी तक का सफर तय करते आते ही भिवानी में होने वाले कार्यक्रम के पार्टिसिपेंट्स को परफेक्शन की तरफ ले जाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी सर, क्योंकि आज के प्रोग्राम थे तो किसी और प्रकार के, और मैं भी शुरू में तो यही समझ बैठा कि स्वच्छता अभियान के तहत हमारे 4 प्रोग्राम और थे कि कहीं ये प्रोग्राम भी उसी से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता था, यहाँ आने के बाद पता चला कि ये प्रोग्राम अलग है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि जीवन में कई बार मुश्किलें भी आती हैं और उसके बावजूद आपने ये बीड़ा उठाया, वरना बहुत मुश्किल है ऐसे हालात में आगे बढ़ना। तो जो आपने जो भी संगठन का नाम दिया अंकित जी के नाम से, और उसके माध्यम से न केवल प्रदेश भर में बल्कि देश भर में जिस प्रकार का आपने अभियान चलाया है, बिल्कुल ये बात सोचकर कि टैलेंट की कमी इस देश में नहीं है, खासकर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में, लड़कों की तुलना में लड़कियों में, और वो नतीजा आप स्टेज पर हमें दिखाते हो। और वैसे तो ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो ये NGO बनाया है और जिसके माध्यम से आपने ये फंक्शन किया है, उसका नाम और उसको चलाने का काम बलजीत सिंह और महेंद्र सिंह का नाम बाद में आया है, आप लोगों का पहले आया है, वो दर्शाता है इस बात को।